देखो आज अपना शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का फोर्थ क्लास है, फिफ्थ फिफ्थ। है? हाँ फिफ्थ क्लास है, वेरी गुड यार। और लगभग 12-13 सम हो चुका है, ठीक है। एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। वो कितना प्रोडक्ट बनाता है सर? 3 प्रोडक्ट बनाता है सर, ठीक है। कौन कौन सा 3 प्रोडक्ट बनाता है सर? एक बनाता है अल्फा, एक बनाता है बीटा, एक बनाता है गामा, ठीक है। अल्फा बीटा और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अल्फा को कितना में बेचता है? बीटा को 75 और गामा को, उनका पीवी रेशियो दिया हुआ है। पीवी रेशियो कितना परसेंट है? 10 है, 20, और इसका मतलब समझ लो पीवी रेशियो अगर 10% है ना, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा अल्फा का? अगर बीटा का पीवी रेशियो 20% है तो वेरिएबल कॉस्ट बीटा का कितना हो जाएगा? और अगर इसका 40% है, सॉरी 60% हो जाएगा। पीवी रेशियो तो कंट्रीब्यूशन ही होता है ना। अच्छा, मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल बोला है, कितना बेच सकते हैं? मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम है। अल्फा का 40,000 यूनिट बेचा जा सकता है, बीटा का 25,000 यूनिट बेचा जा सकता है, और गामा का 10,000 यूनिट बेचा जा सकता है, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा का इतना इतना यूनिट बेचा जा सकता है। रॉ मटेरियल कितना लग रहा है? देखो तो परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, जो भी वेरिएबल कॉस्ट है ना उसका 50% अल्फा का रॉ मटेरियल का खर्चा है, बीटा का रॉ मटेरियल खर्चा कितना परसेंट है, और गामा का भी। तो रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, जो भी वेरिएबल कॉस्ट रहेगा उसका रॉ मटेरियल कितना परसेंट रहेगा? 50-50 और 90 का 50%, 80 का 50%, 80 का 50%। कंपनी यूजेस द सेम रॉ मटेरियल फॉर ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, तीनों प्रोडक्ट चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, कंपनी तीनों प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल यूज करता है वो सेम करता है, ठीक है। रॉ मटेरियल का लेकिन सप्लाई बहुत कम है, शॉर्ट है, एंड द कंपनी हैज अ कोटा फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ द वैल्यू ऑफ 18 लाख। कंपनी जो है मैक्सिमम इतना रुपया के रॉ मटेरियल खरीद सकता है, इससे ऊपर बढ़ तो कंपनी का बजट कितना रॉ मटेरियल का? 18 लाख, ये कंपनी का बजट है, ठीक है। और कंपनी का टोटल फिक्स कॉस्ट कितना दे दिया? टोटल। तो अब बोल रहे हैं भैया बताओ कौन सा सेल्स मिक्स यूज करें जिससे कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो जाए सर? मैक्सिमम हो जाए। कितना अल्फा बेचे, कितना बीटा बेचे, और कितना, लेकिन ध्यान रखना रॉ मटेरियल पे जो खर्चा कर पाएगा वो केवल 18 लाख रुपए ही कर पाएगा, ऊपर नहीं। अल्फा बीटा गामा का मिला के 18 लाख, ठीक है। अब पहले हम लोग यही करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलो हेडिंग दो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम सेल्स मिक्स। कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम सेल्स मिक्स, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम सेल्स मिक्स। ठीक है, पर्टिकुलर बना लो, अल्फा बना लो, बीटा गमा लो, बीटा गमा के बोलो, बीटा बना लो, गामा बना लो, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, डन। चलो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना कितना है एक बार देख लो, 175 लिख लो, 100, 75, 50 50 अल्फा बीटा गामा 75, 100, 75 और 50, ठीक है। इसके बाद पीवी रेशियो 10% दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब मैं माइनस कर दूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर पीवी रेशियो 10% है तो वेरिएबल कॉस्ट 90% होगा, तो 100 का 90% कितना हो जाएगा? 100 का 90% कितना हो जाएगा? हाँ ठीक है, क्लियर ना। इसका पीवी रेशियो देखो 20% है बीटा का, है ना, बीटा का पीवी रेशियो 20% है, तो यानी वेरिएबल कॉस्ट 80% हो जाएगा। 75 का 80% कितना हो रहा है? 60, ठीक है। और उसके बाद अपना गामा का पीवी रेशियो 40% है, 50 का 40% पीवी रेशियो, तो 60% वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा ना, 30, तो वेरिएबल कॉस्ट 30% हो जाएगा, यस ठीक है। एक सेकंड ना, चलो नेक्स्ट आओ। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बता दो ना कितना कितना आएगा सर।
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बता दो कितना कितना आएगा सर? 10, 15 और 20, राइट। हमेशा ध्यान रखोगे, एक कॉमन सा चीज बता रहा हूँ तुम लोग को, एग्जाम में वरना तकलीफ हो जाएगा अगर ये चीज ध्यान नहीं रहेगा। हम लोग के यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये हो गया ना, हम लोग के इस क्वेश्चन में बेटा क्या चीज का कमी दिख रहा है, जो हमारा बजट है वो किस चीज के अंदर होना चाहिए? 18 लाख, मतलब कमी रॉ मटेरियल का है ना। हम लोग कल क्लास किए थे याद है, लेबर आवर का क्वेश्चन था, मशीन आवर का क्वेश्चन था, तो हम लोग कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकाल रहे थे। तुम अगर वीडियो देखेगा ना तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, जिस चीज का कमी रहेगा ना, तो तुमको ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं चलेगा, तब तुमको कंट्रीब्यूशन पर वो लेना पड़ेगा, पर लेबर आवर, यार लेबर आवर में कितना कमा रहे तुम, हर मशीन आवर में कितना कमा रहे। यहाँ पे मेरा जो कंस्ट्रेंट है वो रॉ मटेरियल है, क्या है? तो पहले मेरे को देखना पड़ेगा रॉ मटेरियल खर्चा कितना आ रहा है, उसके बाद मैं देखूंगा कंट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल कितना आएगा मेरा। तो ये काम आएगा, नो डाउट ये काम आएगा, मगर पहले एक बार रॉ मटेरियल का खर्चा बताओ तुम लोग कितना कितना है। बोला था ना वेरिएबल कॉस्ट का 50% और 40%. तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट का 90 है ना, तो इसका 50% कितना हो जाएगा सर? 45, इसका हो जाएगा 30 और इसका हो जाएगा 15%, 15। ये तो ये रॉ मटेरियल कॉस्ट आ गया मेरा, यस और नो? ये रॉ मटेरियल का पर यूनिट का कॉस्ट आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जब हो गया ना तो मैं इस कंट्रीब्यूशन को ध्यान में दूंगा, देखो 10, 15, 20 इसको ध्यान में नहीं दूंगा मैं। मैं अब चेक करूंगा मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट, यानी मेरा इधर देखो 45 रुपया अगर रॉ मटेरियल खर्चा करता हूं तो 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन आता है ना, 45 रुपया। एग्जाम्पल समझो बेटा, 45 रुपया अगर मैं रॉ मटेरियल पे खर्च करता हूं तो मेरा कमाई कितना है? कंट्रीब्यूशन 10 रुपया। तो इसका हर 1 रुपया का रॉ मटेरियल खर्चा पे मेरा कंट्रीब्यूशन इतना ही ना आएगा? 0.22। तो वो मेरे को निकालना पड़ेगा, समझा मेरा बात? तो ये कैसे है समझा, 10/45 करके कितना है? 0.22। इसी तरह मैं दूसरे वाले का भी निकाल लूंगा, अगर 30 रुपया खर्चा करके 15 रुपये का मेरे को कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो हर 1 रुपये पे कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा? 0.50। और इसी तरह इसका भी निकाल लूंगा, 1.33। श्योर ना? तो अब तुम सोचो किसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है मेरा? गामा में, तो उसको रैंक 1 दे देते हैं बेटा, गामा को रैंक 1 दे देते हैं, बीटा को 2 दे देते हैं और अल्फा को 3 दे देते हैं। इसको देख के रैंक दिया जाएगा, याद रखना, इस ऊपर वाले को देख के कभी रैंक मत देना, ठीक है? इसको बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? लास्ट एक क्लास में किए थे, मशीन आवर लिमिटिंग फैक्टर था, एक क्वेश्चन के इसमें लेबर आवर लिमिटिंग फैक्टर था, और एक क्वेश्चन कर इसमें रॉ मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है। एग्जाम में यही 3 लिमिटिंग फैक्टर रहता, ध्यान रखना, मशीन और लेबर तो बहुत ज्यादा रहता है लिमिटिंग फैक्टर। आ गया, इसका मतलब मैं सबसे ज्यादा किसका बनाऊंगा? गामा का, फिर किसका बनाऊंगा? बीटा का, और फिर किसका बनाऊंगा? लेकिन प्लीज याद रखोगे, गामा का, बीटा का या अल्फा का, जिसका ही बनाऊंगा, मेरा रॉ मटेरियल 18 लाख रुपए के अंदर हो जाना चाहिए का, रॉ मटेरियल खर्चा 18 लाख के अंदर हो ही जाना चाहिए, ठीक है? ये हो गया मेरा रैंक। अब मैं बताऊंगा किसका कितना बनाना है। सबसे पहले क्या बनाएगा? गामा। तो अब एक चीज बताओ, क्वेश्चन में देखिए गामा का डिमांड कितना है बाजार में, कितना यूनिट्स है गामा का डिमांड, यहाँ पे देख सकते हो गामा का डिमांड कितना है यहाँ पे, 10,000, फिर बीटा का है, फिर अल्फा का है, ऐसी तो अपने को देखना पड़ेगा रैंक वाइज। तो सबसे पहले अपने गामा बनाएंगे, क्या बनाएंगे सर? गामा, ठीक है? इसको हेडिंग दे दो बेटा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, हाँ सेकंड इसके नीचे बनाएगा पर, ठीक है, पर्टिकुलर्स रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट और क्वांटिटी, पर्टिकुलर्स रॉ मटेरियल कॉस्ट और क्वांटिटी। सबसे पहले तुम्हारा रैंक 1 जो आया था वही बनाएगा ना, गामा बनाएगा। गामा का कितना यूनिट्स बनाने का ट्राई करेंगे अपने? सबसे पहले 10,000 यूनिट इनटू गामा का रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना है? देखो तो एक बार गामा का रॉ मटेरियल कॉस्ट, नहीं 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 वो तो पर यूनिट का है ना, तुम ये तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो, तुम रॉ मटेरियल कॉस्ट देखो ना, 15 है ना, रॉ मटेरियल कॉस्ट देखो कितना है, 15, राइट? 10,000 × 15 ये वाला है ना, तो गामा पे तेरा इतना का रॉ मटेरियल कॉस्ट आ चुका है, आ गया ना 1.5 लाख रुपया का, राइट?
और गामा कितना क्वांटिटी बन चुकेगा तेरा तब तक? 10 और क्वांटिटी बन जाएगा। उसके बाद बीटा बनाएंगे क्या? बीटा का मार्केट डिमांड देखो तो कितना यार, 25,000। बीटा का मार्केट डिमांड 25,000 है, तो मार्केट सेल्स पोटेंशियल है तो हाँ। तो 25,000 यूनिट्स और बीटा का रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना देखो तो एक बार, 30 हाँ। कितना का कॉस्ट आ जाएगा? 7.5 लाख रुपया आएगा ना हाँ। और इसका 25,000 बन गया हाँ। लेकिन तुम थोड़ा चीज सोचो, अभी तक तुम्हारा रॉ मटेरियल कॉस्ट 9 लाख आ चुका है, आ चुका है ना हाँ। और तेरा बजट कितना था याद है? तो अब जो भी आएगा तुम कुछ भी हो जाए, देखो एक बार प्लीज देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 9 लाख के अंदर अंदर ही सल्टाना पड़ेगा तुमको, क्योंकि टोटल मेरा बजट याद है कितना था। तो अब इस 9 लाख रुपया में तुम खुद सोचो, मैं अल्फा का कितना यूनिट्स बेच सकता हूँ चेक करो, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बाय रॉ मटेरियल पर यूनिट, इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना 9 लाख है तो, और इसका रॉ मटेरियल खर्चा कितना आ रहा है मेरा, 45 आ रहा है ना, तो 9,45,000, उससे यूनिट्स नहीं बेच सकता, 9 लाख का खर्चा बियर कर सकता हूँ रॉ मटेरियल पे, और रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है मेरा वो 45 करके है ना, तो इसका मतलब मैं मैक्सिमम 9,00,045 यानी कितना यूनिट, 20,000 यूनिट ही बेच सकता हूँ 45 करके। यस और नो सर? 20,000 यूनिट से ज्यादा नहीं बेच सकता हूँ मैं, है ना। इसका भले मार्केट डिमांड था कितना यूनिट्स, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि मेरा बजट 18 लाख का है ना। तो मैंने क्या किया, पहले अपना बैलेंसिंग फिगर देखा, रॉ मटेरियल कितना कॉस्ट बच रहा है 9 लाख, उसको रॉ मटेरियल के कॉस्ट से डिवाइड किए, 9 लाख रॉ मटेरियल कॉस्ट है बजट, और रॉ मटेरियल खर्चा कितना 45 रुपया करके, तो कितना यूनिट बन जाएगा, भले ही मार्केट में डिमांड कितना यूनिट था 40,000, तो भैया मैं 40 नहीं बना पाऊंगा, क्लियर। इसका मतलब मेरा यहाँ पे टोटल यूनिट 55,000 ही बिक पाएगा। हाँ अभी मेरा आंसर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अपने ये निकाल लिए कि कितना यूनिट अल्फा का बेचेंगे, कितना बीटा का बेचेंगे और कितना गामा का बेचेंगे, है ना। अब हम लोग अपना क्वेश्चन को और आगे लेके जाएंगे, जो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है एक बार देखो, क्वेश्चन हमसे पूछा है सेल्स मिक्स बताओ, सेल्स मिक्स हो गया हम लोग का, सेल्स मिक्स मतलब यही होता है कितना क्वांटिटी कितना का बेचा जाए, सेल्स मिक्स हो गया हम लोग का, उसी को सेल्स मिक्स बोलते हैं, कितना अल्फा बेचे, कितना बीटा बेचे और कितना। अब हम लोग को बोला भैया, अब ये जो सेल्स मिक्स तुम यूज किया है ना, उससे कंपनी का प्रॉफिट बताओ, बहुत इजी है। अरे भाई एक चीज बताओ, तेरे पास गामा का पता है कितने यूनिट बेचेगा? 10,000। 10,000 में से तुम सीधा कंट्रीब्यूशन लगा दो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है तो गामा का, नहीं नहीं वो तो पर, ये नहीं, ये जो 1.33 बोल रहे हैं ना, ये खाली रैंक में काम आएगा और कहीं काम नहीं आएगा, ये कंट्रीब्यूशन 20 है, तो 10,000 × 20 करूंगा तो इसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 25,000 × अगर बीटा का कंट्रीब्यूशन देखूंगा तो 15 करके आ जाएगा, और अगर मैं इसका 20,000 यूनिट पे इसका कंट्रीब्यूशन अगर देखूंगा कितना 10 है ना, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा सबका, और बेटा इसमें से माइनस एक ही तो कॉस्ट करना है तुमको, ये रहा फिक्स कॉस्ट, कितना दिया फिक्स कॉस्ट, बस हर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर लो, प्रॉफिट आ जाएगा। तो अपने निकालेंगे प्रॉफिट, क्या निकालेंगे सर? प्रॉफिट, ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट राइट, पर्टिकुलर्स अल्फा बीटा गामा और टोटल, हाँ 6,80,000, 6,80 था ना फिश कॉस्ट, हाँ। कंट्रीब्यूशन से सीधा स्टार्ट कर दो, इतना सेल्स वेरिएबल कॉस्ट लिखने का जरूरत नहीं है। ए का अल्फा का कितने यूनिट बेच रहा था? 20,000 ना, 20,000 इंटू कंट्रीब्यूशन 10, कंट्रीब्यूशन तो अल्फा का 2 लाख आ गया, बीटा का 25,000 यूनिट है इंटू 15, यस 3,00,075, 3,00,075, वेरी गुड। और गामा भी देखे, मतलब कितना कैसे कर गया, 10,000 × 10,000 नहीं है 20, है ना, गामा का आ गया 2 लाख, तो टोटल मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 2,02,04,00,000, 7,75,000 ना, और इसमें खाली एक ही कॉस्ट तुमको माइनस करना है, कौन सा, वो इंडिविजुअली तो है नहीं,
बट टोटल में आ जाएगा कितना? टोटल फिक्स कॉस्ट 6 लाख 80,000 80,000, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा सर कंपनी का 95,000। ठीक है, पानी है क्या वहां पे? नहीं यार, भर दूं क्या? नहीं, हो जाएगा, दे दोनों। हुआ, अच्छा इसमें हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं, मेरा मन कर रहा है क्वेश्चन पूछने का तुमसे। अगर इसी क्वेश्चन में बोल दूं कि सपोज द रॉ मेटेरियल बजट इज इंक्रीज बाय 2 लैक्स, बताओ तो कैसे करोगे? पता चल जाए किसको कितना आ गया। सपोज रॉ मेटेरियल बजट बढ़ गया 2 लाख से और बढ़ गया, तो मेरे को नया कैलकुलेशन करके नया प्रॉफिट चाहिए, बट इसके लिए यूनिट्स तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ? अगर रॉ मेटेरियल का बजट 18 लाख था ना पहले, अब ये बजट 2 लाख से बढ़ गया 20 लाख, तो मेरे को बताओ नया कैलकुलेशन क्या होगा तुम्हारा? 5 मिनट का टाइम लो, आराम से सोचो। देखो अगर मैंने बोला रॉ मेटल का बजट बढ़ जाए, क्या हो जाए सर? तो इसमें चेंजेस करने का कुछ जरूरत नहीं है, पहला बात है, ये वाला सेम रहेगा, ठीक है, ये पूरा सेम रहेगा, रैंक जैसा वैसे का वैसे ही रहेगा। बदलाव किसमें आएगा सर? बदलाव इसमें आएगा। क्या बदलाव आएगा देखो दिखाता हूं। जो मेरा बदलाव था सर वो इसके कारण आ रहा था ना सर, अब मेरा बैलेंसिंग फिगर, मेरे पास बजट 18 लाख थोड़ी है भाई, अब मेरा बजट बढ़ गया राइट। तो अगर मेरा बजट बढ़ गया भाई तो इसका मतलब मैं ऑलरेडी 9 लाख खर्चा कर चुका हूँ, अब मेरे पास 11 लाख खर्चा करना बाकी है कि नहीं है? हाँ। तो मैं यहाँ पे 11 लाख बैलेंसिंग फिगर लिख लूँ, और अब 11 लाख रुपया अगर मेरे पास पड़ा है तो मैं कहीं ना कहीं अल्फा और ज्यादा बना सकता हूँ। अल्फा का मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 45 था, तो इसका अल्फा का कितना यूनिट बन जाएगा बताओ तो मेरे को? 24445 अप्रोक्सीमेटली राइट, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। अब इसका मतलब मेरा ये जो अल्फा का यूनिट्स बदला तो यहाँ भी बदल जाएगा, इसका मतलब मेरे को इसको बदलना पड़ेगा 24445 यही तो इसका मतलब मेरा ये भी तो बदल जाएगा कंट्रीब्यूशन, मेरा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 24450 यही तो, ठीक है ना। अब ये मेरा टोटल में भी बदलाव ला देगा, इसका मतलब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 8198194 आया। फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगा, तो प्रॉफिट देखो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 139। देखो जो जो ब्लू कलर से चेंजेस है वो चेंजेस हो गए, मैंने किसी को बदला नहीं, जो हाँ कॉपी में कर लो, ठीक है, हाँ ठीक है। हम इतना लंबा चौड़ा नहीं किया, बस जो अरे अभी याद रहेगा मुझे, एग्जाम के दिन भूल जाएगा, हम तो डायरेक्ट क्वांटिटी चेंज करते हैं। ठीक है, अभी तो सब याद है, बाद में सब भूल जाएगा ना। वैसे भी क्लास करना ही है, इसको बैठा के छोड़िएगा मत, अगर नहीं दिया मैराथन तो क्या करेगा? भाई एग्जाम अभी है, शादी नवंबर में है यार, ये आपका शादी का सपना कुछ जा रहा है, जल्दी देख लीजिए, लग रहा है आउटफिट भी, शादी होगा तो भी देगा, शादी नहीं है तो भी देगा, शादी वादी बाद में, समझा ना। पढ़ाई अपना जगह, पर्सनल अपना जगह, क्या भैया घूमने भी जाइए और दिसंबर का बात, अरे घूमने भी जाएगा तो भी ऑनलाइन ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रहने दीजिए, ये कुछ ज्यादा भूल गया, एक्सपेक्ट कर रहा था कब बोले तुम लोग, ठीक है, ये सब मैं सबसे पहले पर्सनल लेगा, आओ हम लटक जाएंगे तो नहीं लटके, काहे चिंता। क्वेश्चन देख के कर पाएगा क्या? मेरे को लगता है तुम लोग कर पाएगा, अगर मौका दे क्या पढ़ा दूं क्वेश्चन, पर समझ लो यार क्या पता। देखो एक चीज मैं पहले बता दूं, इस चैप्टर में ना हम जो करा रहे हैं उतना सब तो अच्छा से देख लेगा, वैसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन रहता है, ठीक है। देखो क्या बोलेगा, क्वेश्चन पहले पढ़ लोगे, कोई बोले हाँ सर हम ट्राई करेंगे 5 मिनट में, बहुत खुशी होगा, नहीं बोलेगा तो भी खुशी होगा, गम का कोई बात नहीं है। देखो एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है 3 प्रोडक्ट ए बी और सी यूजिंग द सेम मशीन, एक ही मशीन यूज करता है, ठीक है, विच हैज द एनुअल वर्किंग कैपेसिटी ऑफ
70,000। तो इस बार कंस्ट्रेंट क्या दिख रहा है, समझ में आया? 70,000 मशीन का घंटा का कंस्ट्रेंट है मेरा। पिछले सम्स में कंस्ट्रेंट क्या था? ये कंस्ट्रेंट समझ गया, तो कोई में लेबर आवर भी कंस्ट्रेंट हो सकता है। डिटेल दिया हुआ कॉस्ट का और सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस 400, 316 और 448, उसमें वेरिएबल कॉस्ट ऐसा ऐसा करके दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल का इतना, डायरेक्ट वेजेस एट द रेट 16 पर मशीन आवर। इसका वेजेस कितना पे करना पड़ रहा है, इसका वेजेस कितना पे करना पड़ रहा है, इसका वेजेस, अच्छा वेरिएबल ओवरहेड भी लग रहा है कितना कितना। कोई अच्छा स्टूडेंट होगा ना, पता है वो इस लाइन को देख के ये समझ पाएगा कि मशीन कितना घंटा ए में चल रहा है, कितना घंटा बी में चल रहा है, कितना घंटा सी में चल रहा है, बता सकता है? जहां पे मैं इतना सर 4 और 8 6 नहीं 7 6 4 और 7, एकदम सही बोला। कैसे ही देखो, मेरे को 16 रुपया देना पड़ता है एक घंटा का, मैं कितना रुपया वेजेस दे रहा हूँ, तो इसके अलावा मशीन 6 घंटा चल रहा है ना, 96/16, इसमें 64 दे रहा हूँ, वही 16 रुपया का रेट है ना, तो 4 घंटा चल रहा है 64/16, इसमें 112 रुपया दे रहा हूँ, हर घंटे का रेट 16 है ना, तो 7 रुपया करके दे रहा हूँ, 7 घंटा चल रहा है मशीन। तो इसका मतलब मेरा मशीन आवर एक बार आ चुका है, मैं एक बार लिख लूँ यहाँ पे, मशीन आवर इसका 6 आया, बाद वाले का 4 आया और इसके बाद 7 काम आएगा। क्या काम आएगा एक बार बता दूं, क्या काम आएगा, जब तुम कंट्रीब्यूशन निकाल लेगा ना, तो इसमें कंट्रीब्यूशन को याद करो किससे डिवाइड किया था, कंट्रीब्यूशन को तुम रॉ मटेरियल कॉस्ट से डिवाइड किया था ना, 10/45 किया था, तो इसमें क्या करेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई मशीन आवर, मशीन आवर आ गया तो 647, उसके बाद रैंक देगा। जैसे ए का कंट्रीब्यूशन ऐसे निकल जाएगा, आदि सेल ये रहा, वेरिएबल कॉस्ट ये रहा, आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया तो, और उसको 6 से डिवाइड कर देगा तो पर मशीन आवर आ जाएगा। इसका 316 सेल प्राइस है, इसका वेरिएबल कॉस्ट 224 है, दोनों माइनस करेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, और उसको 4 से डिवाइड कर देगा तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। जैसे इसका देखो नेहा, सेल प्राइस कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, इन दोनों को माइनस करेगा पर यूनिट आएगा ना, उसको डिवाइड कर देगा किससे, पर मशीन आवर आ जाएगा। उसके बाद जिसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसको रैंक 1 दे देगा, रैंक 2 दे देगा, रैंक, अच्छा उसके बाद बोला पहले इतना करे क्या एक बार, पहले इतना कर लेते एक बार, ठीक है उसके बाद का बात देखते हैं। चलो स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, इसका फोटो लेना है मोहित, स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। लो ना ये वाला, तो ये वाला क्वेश्चन वाला ना, इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन वो वाला, क्वेश्चन नंबर कितना दिया? अरे ये क्वेश्चन नंबर है, वी हैव नेक्स्ट वाला जो उत्तर है उसका तो भेजा दो, वो 23 24। ये हो गया ना, इसका लेना तो इसका ले लो। देखो अभी जो निकाले थे सेम वैसा ही है, अच्छा, सेम अब, हाँ हाँ अभी अपने रॉ मटेरियल पर निकाले थे तो, अच्छा, अभी मशीन आवर निकाल देंगे, ए बी और सी मशीन आवर जो आएगा ना, तो जो कंट्रीब्यूशन पर मिनट आएगा डिवाइड बाय 6 कर देगा, वही पर मशीन कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर आ जाएगा। वही तो लिखा, तुम लोग देगा मौका तब ना। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 416 448, एक साथ ही लिख लो जितना था, 308 था ना, और
वो अच्छा यही निकाला था क्या, ये सेम बोल रहा था, बट ये सेम उसे रैंक नहीं दे पाएगा ना, इसलिए रैंक हमेशा इस बेसिस पे जाता है। ठीक है अच्छा कंट्रीब्यूशन। अच्छा अब ये तो हो गया, ये मेरा नंबर लो स्टेप ए आ गया। अब स्टेप बी में मशीन आवर निकालना पड़ेगा ना, कितना घंटा चल रहा है मशीन, राइट। तो इसमें मशीन आवर चलेगा सर 96/16। ए इसलिए लिखा ताकि जब ए और ये जो आएगा ना ए बाई बी डिवाइड कर दूंगा मैं। हाँ इसका कितना है 96/16 राइट। तो ये 6 आ गया, इसका मशीन 6 घंटा चलता है, इसका मशीन कितना घंटा चलेगा 4 घंटा, और इसका मशीन चलेगा कितना घंटा 7 घंटा राइट। इसको बी का नाम दे दूंगा ना, तो इसका मतलब मैं 6 घंटा मशीन चला के 92 का कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूँ। तो इसका मतलब हर घंटे में कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूँ, वेरी गुड। इसका मतलब वो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर राइट कितना हो गया इधर 15.33। इसका कितना आ जाएगा 23, और उसका 13 पॉइंट समथिंग ना। इसको रैंक 1 दे दे बी को, बी को रैंक 1 सबसे ज्यादा आ गया ना बी का। एक घंटा में तुम 23 रुपया कमा रहे मोहित। ए को रैंक 2 दे दो, सी को रैंक, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है, कोई इशू नहीं, डन। ये हो गया तो बोलना। अब हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले क्या बनाएगा, बी बनाएगा, फिर उसके बाद अगर घंटा बचा तो ए बनाएगा, उसके बाद फिर अगर जितना घंटा बचेगा तेरे पास उसका सी बनाएगा ठीक है, क्योंकि रैंक 1 बी का आया। मेरे पास घंटा तो लिमिटेड है ना नेहा, मेरे पास कितना घंटा, ये देखो 70,000 घंटा। तो अब चेक करेंगे बी बनाने में कितना घंटा लग जाएगा। हाँ 1 से शुरू होगा ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स ठीक है। ठीक है पर्टिकुलर्स कुछ ए बनेगा, कुछ बी बनेगा और कुछ सी बनेगा राइट। ऐसे बना ले काम को, देखो फॉर्मेट चेंज नहीं करते। ये देखो अपने रॉ मटेरियल का निकाले थे ना, ये देखो ऐसा निकाले थे ना ये वाला है ना, तो पर्टिकुलर में यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ बी लिख देंगे और यहाँ सी लिख देंगे राइट। बट लाइन से लिखना, पहले सबसे ज्यादा किसका बनेगा रैंक, किसका है 1 बी। तो सबसे पहले बी बनाएंगे, फिर ए बनाएंगे और फिर सी बनाएंगे, सेम फॉर्मेट फॉलो कर लेते हैं ठीक है। पहले बी फिर ए फिर सी, और इसमें अपने चेक कर लेते हैं कितना आवर्स लग जाएगा और उस आवर्स से कितना यूनिट्स बना लेंगे ठीक है। बहुत इजी है, देखो बी का रैंक 1 था, तो बी का डिमांड एक बार चेक करो तो कितना बेटा, बी का डिमांड कितना है, बी का 5000 यूनिट है ना बी का डिमांड। तो सर सबसे पहले लिख लो बेटा बी का डिमांड 5000 यूनिट है ना, और बी का एक यूनिट बनाने में कितना घंटा लगता है, याद है डिवाइड किया था तुम, ये रहा बी का एक यूनिट बनाने में 4 घंटा लग रहा है। तो इसका मतलब 20,000 घंटा तो बी बनाने में चला गया मेरा, और यूनिट्स कितना बन पाया बी का, 5000 यूनिट बन पाया ना। इसी तरह ए का चेक कर लो, ए का डिमांड कितना है बाजार में, 6000 है ना ए का डिमांड, और बी ए को बनाने में घंटा कितना लग रहा है, ये रहा देखो 6 है ना। तो अब तक मेरा 36000 घंटा ए में लग गया और 20,000 घंटा बी में लग गया, और ए का 6000 यूनिट बना लिया। अब मेरे पास तुमको याद होगा यहाँ पे मैं पहले लिख दे रहा हूँ, ये देखो 70,000 घंटा अवेलेबल है, लिखा था ना क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में, ये रहा क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन में लिखा है 70,000 घंटा, पिछले सम्स में था 18,00,000 रुपया, इस सम्स में कितना घंटा है। तो यार हर्षवर्धन अपना 70 में 20 और 36 56,000 घंटा तो लग गया, कितना घंटा बाकी है, एकदम सही बोला। अब ये 14,000 घंटा में तुम कितना यूनिट बना पाएगा सी का,
एकदम सही बोल रहा है। सी को बनाने का खर्चा देखो, घंटा देखो कितना घंटा लग रहा है, 7, तो यानी 14,000 घंटा है। एक यूनिट बनाने में 7 घंटा, तो कितने यूनिट बन जाएगा, 14,000 आवर्स है डिवाइड बाय 7, यानी इतना यूनिट बन जाएगा। इतना क्या बन जाएगा, यूनिट्स। और रेट तो तुमको पता ही है बेटा, 7 करके ना, तो कितना यूनिट बन गया सी का, 2,000 यूनिट बन जाएगा 7 रुपया करके, और इधर यूनिट में कितना लिख दूं मैं, 2,000, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। ये हो गया हम लोग का एक पार्ट का क्वेश्चन। तो टोटल मेरा इतना यूनिट बन गया, ए का 5,000 बना, सॉरी बी का 5,000 बना, सी का 2,000 और ए का 6,000, राइट। टोटल 13,000 यूनिट बना पा रहा हूं मैं, है ना। ये क्वेश्चन का एक पार्ट हम लोग का हो गया। हाँ, आगे बढ़ू मैं एक बार, कि ये रुक जाऊं। अच्छा, अब आगे देखो क्या लिखा है यहाँ पे। आगे का लाइन बोला कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट कितना रुपया है, 3,50,000। अच्छा बात है, बोल रहा है कंपनी कुड परचेज, यहां से मेन क्वेश्चन ट्विस्ट हो रहा है। कंपनी कुड परचेज सिमिलर प्रोडक्ट्स फ्रॉम एन असेंबली सेंटर एट द फॉलोइंग कॉस्ट। अगर कंपनी को ए भी खरीदना है ना, तो कंपनी अगर ए बाहर से खरीदेगा तो एक यूनिट का कितना लगेगा, बी का कितना लगेगा और सी का कितना लगेगा, ठीक है सर। आपको बोला यू आर रिक्वायर्ड टू रिकमेंड विच प्रोडक्ट द कंपनी शुड मैन्युफैक्चर एंड परचेज इन व्हाट क्वांटिटी। कंपनी कौन सा खुद से बनाए और कौन सा बाहर से खरीदे, जिससे कंपनी का बेटा ओवरऑल प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। क्या हो जाए, मेरा एक बात फिर समझ लो, अगर बाहर से खरीदते हैं बेटा, अपने बाहर से अगर खरीदते हैं तो ए का 350 पर यूनिट लगेगा, बी का कितना लगेगा और सी का कितना लगेगा। सर ये बाहर से अगर आप खरीदते हो तो उसका इतना इतना दाम है। हमें पूछा गया है कि कौन सा बाहर से खरीदें और कौन सा खुद से बना ले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मैं एक चीज बोलूं, हाँ देखने से लग रहा तीनों का, तीनों नहीं लेना बाहर से, क्यों आदित्य, ऐसा तो आंसर नहीं होगा, ठीक है, ऐसा तो आंसर नहीं होगा। रीजन बिंग वेरी सिंपल क्या है, देखो पहला बात समझो, मेरा अगर जब अगर बाहर से लेते फिक्स कॉस्ट उतना ही लगेगा, फिक्स कॉस्ट उतना ही लगेगा, फिक्स और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। बट मेरा सवाल है यार, तुम्हारा हमेशा जब बाहर से चेक करता है वेरिएबल कॉस्ट कंपेयर करता है ना, तेरा ए का वेरिएबल कॉस्ट कितना है, बाहर वाला ऑलरेडी महंगा दे रहा है, कोई सेंस नहीं है, नहीं है ना। अच्छा, बी का तेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है, बाहर वाला ऐसे भी महंगा में दे रहा है, कोई सेंस है, नहीं है, मैं जानता हूँ कोई सेंस नहीं है, ठीक है। और इसका मतलब मैं ए और बी तो पक्का इन हाउस ही करूंगा, अपना ही बनाऊंगा, इन हाउस प्रोडक्शन होगा। मगर मेरा सवाल है देखो, सी एज ए स्टूडेंट तुम बोलेगा सर सी भी आपका 356 लग रहा है, और सी जो है वो अगर आप बाहर से खरीदते हो कितना रुपया लेता है, मैं बोल रहा हूँ नुकसान है, बाहर कॉस्टिंग ज्यादा है। बट मैं बोलूं ए और बी तो अपने बना ही पा रहे, सी मैं बोल रहा हूँ बाहर नुकसान है, मगर सी तुम अगर चेक करेगा बेटा, सी तुम खाली कितने यूनिट्स बना पा रहे, सी का तेरा वर्किंग आवर्स कम है, सी अगर तुम क्या पता बाहर से ले ले और ये 8,000 यूनिट तब तो तेरा डिमांड है ना बाजार में, तो अगर बाहर से लेने के बाद तुम ये 8,000 यूनिट अगर बाहर से ले रहे और फिर उसके बाद भी अगर तेरा फायदा हो रहा है तो हम लोग को सी बाहर से ले लेना चाहिए ना। एक बार समझो प्लीज, मैं देखो मैं बताता हूँ, मैं खुद बनाता हूँ, एग्जाम्पल छोटा सा, मैं खुद बनाता हूँ, मेरा कॉस्ट 60 रुपया, और अगर मैं बाहर से खरीदता हूँ बेटा तो मेरा कॉस्ट पड़ता है 70 रुपया, कितना रुपया। मैं अगर इसको बेचता हूँ तो मेरे को सेलिंग प्राइस कितना मिलता है, 90। मैं अगर 2,000 खुद से बना पाता हूँ तब तो 60 ही करूंगा, मेरे को बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। बट यार अगर मेरे को एक्स्ट्रा रेट का मौका मिल रहा है 3,000 4,000, मैं अगर बाहर से ले भी लूँ कितना रुपया में, तो मेरे को तभी तो फायदा मिलेगा ना, फायदा कम मिलेगा मगर मिलेगा। तो यार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक बार चेक करते हैं कि अगर अपने जो बाहर से एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो अगर मेरे को फायदा दे रहा है, प्रॉफिट कम है मगर प्रॉफिट तो है ना, तो एक बार चेक करते हैं ना बाहर से जो सी का कमी पड़ गया वो अगर बाहर से हम लोग ले पाते हैं और उसमें फायदा अगर मिल रहा है तो ले लेंगे बाहर से, वरना सी का प्रपोजल क्या कर देंगे, कैंसिल कर, ए और बी तो ऐसे भी कैंसिल है, खाली सी का चेक करना है मेरे को, राइट, है ना। ए और बी तो ऐसे भी कैंसिल है, खाली किसका चेक करना है, हाँ ए एक्सेप्ट हो जाता है, पता है कब, अगर इसका दाम 308 से कम होता, क्योंकि इसका वेरिएबल कॉस्ट 308 लग रहा है, तो अगर इसका कहीं ना कहीं लोग 250 बोलता 300 बोलता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता, बट ऐसे भी उसका दाम बहुत ज्यादा है
तो मैं एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूँ। एक्सेप्ट कर लेता, एक रुपया कम पड़ रहा है, और अगर मैं लाख लाख यूनिट बेचूं तो लाख रुपया बच जाता यार। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट दो फटाफट, हेडिंग दो बेटा, स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड परचेज, स्टेटमेंट ऑफ, फॉर्मेट अच्छा से देख लेना, स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड परचेज। ठीक है, ए बी है मेरे पास, बी भी है मेरे पास, सी भी है मेरे पास, और टोटल का एक कॉलम है, और यहां पे पर्टिकुलर्स बना देता हूं मैं। क्या बना देता हूं? पर्टिकुलर्स, यूनिट्स। दो लाइन बनाएंगे बेटा, एक कितना प्रोड्यूस करेंगे अपने क्या क्या, और एक कितना अपने बाहर से क्या करेंगे, परचेज करेंगे, राइट। यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स टू बी परचेस्ड, ए का भी देखेंगे बेटा, बी का भी देख लेंगे, और सी का भी देख लेंगे। ठीक है ना, कितना प्रोड्यूस करेंगे बेटा और कितना परचेस करेंगे। ए का तो पूरा प्रोड्यूस ही कर लेंगे, डिसाइड हो ही गया था। कितना प्रोड्यूस कर लेंगे ए का? 20 नहीं 5000। ए का अपने 6000 यूनिट बना रहे हैं ना, ये रहा। अच्छा, हां नहीं होता 6000। अब बी भी अपने वही कर लेंगे 5000, है ना। तो ए में मैं 6000 लिख दूं, बी में कितना लिख दूं, और सी कुछ तो बनाएंगे ना, 2000 बना ही लेंगे। ठीक है, इधर टोटल कितना आ गया, 6, 5, 11, 2, 13000 यूनिट्स, है ना। और अपने पर ट्रैक कर रहे हैं, जो बचा हुआ सी है वो बाहर से परचेस कर लेते हैं। सी का डिमांड 10000 यूनिट था ना, तो 8000 यूनिट परचेस कर लेते हैं, राइट। तो इसका मतलब मेरा टोटल 21000 यूनिट्स अभी तक दिख रहा है मेरे को, ऐसा ऐसा। ठीक है, अब अपने प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रॉफिट, कि अगर अपने परचेस कर ले रहे हैं तो फिर क्या प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट होगा तो कर ले। ठीक, एक लास्ट स्टेटमेंट और है, ये वाला स्टेटमेंट हो गया ना, एक लास्ट स्टेटमेंट और है, लास्ट स्टेटमेंट एक और बना लो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ओके हो गया। पर्टिकुलर्स, डिटेल अमाउंट। पहले हम लोग एक काम करते हैं, जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं ना खुद का, उसका कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले अपना जितना प्रोडक्शन कर, ठीक है, कितना कितना प्रोडक्शन कर रहे थे, ए का 6000 ना, 6000 राइट। तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना मिल जाएगा बताओ, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ए 6000 यूनिट है ना, इनटू कितना पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ए का, 92, वो सबका 92 था। हाँ। तो 6000 इंटू 92 कर लो तो कितना आ रहा है, 5,52,000 राइट। बी से क्या कंट्रीब्यूशन मिल रहा था, यूनिट्स कितना था, 5000 बना रहे थे ना बी, और इससे 92 राइट, 4,60,000 है ना। और सी का जो बना रहे थे वो तो 2000 यूनिट था ना, अभी सिर्फ बनाने का देख ले रहा, उसका भी 92 मिल रहा था, तो इसका मतलब 1,84,000 राइट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन देख लो कितना आ रहा है तुम लोग का, ₹11,96,000 है ना। या ये कंट्रीब्यूशन ऑफ ए, कंट्रीब्यूशन ऑफ बी और कंट्रीब्यूशन ऑफ सी, अगर मैं खुद बना रहा हूं तो। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं कंट्रीब्यूशन फॉर परचेस का क्या कहानी है।
कंट्रीब्यूशन फ्रॉम परचेज। हाँ परचेज तो खाली एक ही कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं सी ना करेंगे, परचेज तो खाली सी करेंगे तो राइट। सी का कितने यूनिट परचेज करना पड़ेगा, 8000 राइट। अच्छा 8000 इंटू, अब कंट्रीब्यूशन कैसे नहीं, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। सेल प्राइस कितना है देखो तो सी का, यहाँ पे सी का क्वेश्चन में सेल प्राइस कितना है, 448 है ना, और खर्चा कितना लग रहा है मेरा 400 ना, तो 448 इधर सेल है, मेरे को खर्चा 400 ही लग रहा है ना, तो फायदा ही तो है, फायदा ही है डेफिनेटली यार। तो 448 में अगर 400 हटा दूं तो ये 48 का फायदा इंटू 8000 यूनिट पे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 48 इंटू 8000 कितना आ जाएगा, 384 आया ना, तो ये मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। बताओ तो कितना टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा मेरा, 15,80,000 है ना। प्रॉफिट थोड़ी है ये तो कंट्रीब्यूशन है, इसमें से माइनस कर दो कौन सा कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कितना देखते हैं रुको, फिक्स्ड कॉस्ट है 350,000 पर एनम आया फिक्स्ड कॉस्ट, तो प्रॉफिट आ जाएगा कितना, प्रॉफिट है 12,30,000 का प्रॉफिट है। इसका मतलब मेरा सी जो है बाहर से खरीदा जा सकता है, यस और नो, सी अगर बाहर से खरीदेंगे तो फायदा मिल रहा है 384 का एक्स्ट्रा, तो इट इज डिजायरेबल टू परचेज फ्रॉम सी। लाइक वही जो हम लोग का अपॉर्चुनिटी मतलब जो छूट जा रहा था हम लोग का एज हम लोग का मशीन आवर नहीं होने का कारण, वो बाहर से ऑफर में ले लेना, मिलके थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, कम हो रहा है बट एडजस्ट हाँ, हो रहा है। तुम देखो ना यहाँ पे कितना लंबा लंबा फायदा था, यहाँ पे 92 देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 48 का ही फायदा है, मगर फायदा तो है ना। जैसे अगर मैंने जो एग्जांपल लिया तो उसमें अगर मैं खुद सेल करता बना के 30 का फायदा आ रहा था, मगर बाहर से खरीदा 70 और 90, 20 का ही फायदा, मगर फायदा तो है, फायदा तो इट इज बेटर टू प्रोक्योर सी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ 8000 यूनिट्स राइट। हाँ तब तो एक्सेप्ट, डिमांड का कमी नहीं, मशीन आवर्स का कमी डिमांड का कमी तो इसमें भी नहीं है, कमी है मशीन आवर का, नहीं तो बाहर से तो अपने आवर बनवा सकते हैं फिर ये और भी। हाँ तब तो ये यूनिट भी बढ़ जाएगा मोहित, ये 6,000, 5,000 और 10,000 भी बढ़ जाएगा, तब तो मैक्सिमम का बात ही नहीं, तो अनाप शनाप बेचो वही तो बोल रहा है, तब तो और बनेगा, बट अभी तो मैक्सिमम ए 6,000 बेच पाएगा, बी 5,000 बेच पाएगा और सी 10,000 बेच पाएगा राइट। कौन सा देखना है, ये वाला समझा कि नहीं समझा, हो गया क्लियर, सम बनाएंगे भी आधा फिर छोड़ के जा रही है।